तो दोस्तों हम लोग जो हैं स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जो है नर्सरीज पे आप लोगों को विजिट कराएंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग आ गए हैं पुष्पावली नर्सरी है, ये मैं आप लोगों को बता दूं, जवाहर नगर में है और सुधीर जी की नर्सरी है। आप देख रहे होंगे काफ़ी सारी जो है पौध रखी हुई है और इधर से ही जो है काफ़ी सारी जो है सीडलिंग्स वगैरह इन्होंने डिस्प्ले करी हुई हैं। तो सभी तरीके के जैसे आप देख रहे होंगे सब्जियों के पौध रखते हैं ये, इसके अलावा जो है मेडिसिनल प्लांट्स भी रखते हैं। और सबसे बढ़िया बात मैं आपको बता दूं पुष्पावली की कि इनके पास जो है सभी तरीके के सीडलिंग्स अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे नॉर्मली अपन लेने जाते हैं तो प्लांट्स काफ़ी कई बार महंगे महंगे मिलते हैं और यहाँ आप चाहें तो सभी तरीके के सीडलिंग्स जो हैं रीज़नेबल रेट में इनके पास अवेलेबल हैं। आप देख रहे होंगे कोलियस की है, पोलका डॉट की है, सिंगोनियम है, मनी प्लांट्स हैं और जो काफ़ी बड़े जो प्लांट वो प्लांट्स जो है आप सीडलिंग में जो है यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे फाइबर के टॉयज़ हैं यहाँ पे और मेनली जो अट्रैक्शन है यहाँ पे वो यही है कि यहाँ पे जो है सभी तरीके के जो हैं सीडलिंग्स और प्लांट के बल्ब सकुलेंट्स ये सभी जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो दोस्तों हम आ गए पुष्पावली नर्सरी सुधीर जी। तो सुधीर जी अपनी नर्सरी कहाँ पे है सर? राजा पार्क में है, गली नंबर 6 में। अच्छा अच्छा, वाल्मीकि पार्क। और जैसे मैं बता ही रहा था अभी पौध मेनली आपके यहाँ सभी तरीके के मिल जाती है। हाँ, अभी पौध तो है ही है, जैसे सीजनल के प्लांट्स रखते हैं प्लस टिश्यू कल्चर के प्लांट्स आजकल काफी आ गए हैं जो छोटे पॉट्स के लिए ट्रे गार्डनिंग में काम में आते हैं, वो सब मिल जाएंगे हमारे पास में। उसके अलावा बाकी नॉर्मल प्लांट्स पूरी रेंज है वो। बहुत बढ़िया बात है। तो आपने कहाँ पे है सर नर्सरी? ये राजा पार्क में बताया, राजा पार्क में गली नंबर 6 में, गली नंबर 6 में स्थित है। और रेट्स बहुत रीजनेबल हैं सुधीर जी की, आप लोग सभी विजिट कर सकते हैं। अपने यहाँ की स्पेशलिटी सर कुछ नर्सरी की बताना चाहेंगे? स्पेशलिटी ये कि हमारे पास सीजनल की हमेशा आपको पूरी रेंज मिलेगी। अच्छा। और नर्सरी दिखने में बहुत बड़ी नहीं है लेकिन क्या कहना चाहिए, स्मॉलेस्ट नर्सरी विद लार्जेस्ट वेराइटीज। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बड़ी बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। तो दोस्तों आप लोग जैसे देख रहे होंगे काफ़ी तरीके के सकुलेंट्स हैं अवेलेबल सुधीर जी के पास। इसके अलावा जो हैं बल्ब्स भी हैं और सभी के रेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, रीजनेबल रेट्स में यहाँ पे अवेलेबल है। मेन जो अट्रैक्शन है सकुलेंट्स हैं, नीचे आप देख रहे होंगे कुछ कैक्टस भी रखे हुए हैं और कैक्टस के साथ में जो है एलो की वेराइटी। और मेन जो मैं आपको बता रहा था इनकी यहाँ की नर्सरी का अट्रैक्शन, सर भी कह रहे थे कि सीडलिंग्स जो हैं काफ़ी इनके पास में अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा जो है गार्डनिंग के लिए जो है टॉयज़ भी इनके पास में जो है अवेलेबल रहते हैं ट्रे के अंदर डेकोरेट करने के लिए। तो हम लोग जो हैं अब आगे चलते हैं